हम यहाँ क्यों आ गए? आखिर यहाँ ऐसा क्या है जो हमें होटल का नाम बचाने में मदद करेगा? शिखर ने अपना सर खुजलाते हुए पूछा। मेरे दादाजी कहते थे कि प्यार से बनाया अच्छा खाना खाने के बाद कोई किसी को भी माफ कर सकता है। जब ये इशू खाने से ही शुरू हुआ है तो वही इसे सॉल्व भी करेगा, ट्रस्ट मी। एक चंचल मुस्कान अपने चेहरे पर लिए अनन्या बोली। शिखर और अनन्या होटल के किचन में खड़े थे। शिखर अनन्या को देख के समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, इसलिए उसने सीधा ही उससे पूछ लिया, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अनन्या बोली, खाली हाथ माफी मांगने की जगह साथ में कुछ मीठा लेकर जाओ। केक कैसा रहेगा? शिखर को अनन्या की ये बात सही लगी। ठीक है, तो मैं अभी लग जाता हूं सबके लिए केक बनाने में। अनन्या हंसते हुए अपने मुंह पे हाथ रखते हुए बोली, तुम क्यों बनाओगे सबके लिए केक? शिखर सर, अगर आप भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं कि आप इस होटल के मालिक हो, आपके एक हुक्म पे सब काम पे लग जाएंगे। शिखर ने मन ही मन सोचा, मैं बार बार ये बातें क्यों भूल जाता हूं? वैसे ये सही मौका है इस होटल की जिम्मेदारी लेने का। और फिर वो अनन्या से बोला, वो एक्चुअली मैंने कुछ दिनों तक एक बेकरी में काम किया था, केक बनाना खूब अच्छे से आता है मुझे, आज तो सबके लिए केक मैं ही बना रहा हूं। और इतना बोल शिखर काम पे लग गया। किचन में जितने भी शेफ्स थे उनकी मदद से होटल के कमरे में ठहरे सभी मेहमानों के लिए अपने हाथों से केक बनाया। अनन्या ने भी उसके साथ मिलकर उसका हाथ पटाया। देखते देखते केक बन गया और शिखर अनन्या के साथ मिलकर हर मेहमान को खुद खेत जताने और उनके बिल पर डिस्काउंट देने की बात करने लगा। मेहमान भी शिखर के इस बात से काफी इंप्रेस हो गए, तो कई शिखर को देखकर चौंक पड़े। इतने कम उम्र का मालिक, कमाल है ये तो, आज से पहले किसी भी होटल में इतना अपनों जैसा महसूस नहीं कराया हमें। तो कुछ केक खाकर शिखर के दीवाने हो गए। वाह, इतना स्वादिष्ट केक तो किस्मत से ही नसीब होता है। और देखते ही देखते सब मेहमान कल रात की बात को भुलाने को तैयार हो गए। दूसरी ओर क्लास में अंकुश शिखर के उस इग्नोर करने वाली बात को लेकर अभी तक गुस्से में था। अंकुश का दोस्त उसे बोला, तूने तो बोला था कि तेरी बात इग्नोर नहीं करेगा वो, लेकिन बात छोड़, उसने तो तुझे ही इग्नोर मार दिया। अंकुश ने बात बदलते हुए कहा, तू मेरी छोड़, ये शिखर देखने में तो नौसिखिया ही लगता है, कहीं इसके चक्कर में आगे चलकर हम ना फंस जाएं, पता चले पुलिस वुलिस का चक्कर हो और हम तक बात पहुंच जाए तो कॉलेज नहीं जेल में झक मारनी पड़ेगी। एक क्लासमेट अंकुश के खिलाफ बोला, तू ये सब इसलिए बोल रहा है ना क्योंकि शिखर ने तुझे भाव नहीं दिया? तो दूसरा अंकुश की साइड लेने लगा, मुझे भी अंकुश की बात सही लग रही है, अभी मेरे जेल जाने की उम्र थोड़ी ना है, मैं ऐसे इल्लीगल चीजों से दूर ही भला। और तुरंत बाकी सब भी राजी हो गए कि शिखर का कुछ करना होगा इससे पहले कि वो सब फंस जाए। कॉलेज से निकल अंकुश और उसके दोस्त एसपी साहब से मिलने चले गए, जो अंकुश के पापा के फ्रेंड थे। सबकी बात सुनने के बाद एसपी साहब को भी शक हुआ और वो उन्हें आश्वासन देते हुए उन्हें कहा, शहर में इन जैसे लोगों की वजह से ही ड्रग्स और क्राइम बढ़ रहा है, तुम सब बस उसके बॉस के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करो, क्योंकि इस बार तो हम लोग उनके पूरे गैंग को पकड़ ही लेंगे। अंकुश ये सुनते ही खुश हो गया, अब दिखाता हूं शिखर के बच्चे को मुझसे भिड़ने का अंजाम। होटल में काम करते हुए अचानक शिखर ने अनन्या से पूछा, क्या हम कहीं अकेले में जा सकते? दरअसल मुझे कुछ बताना था तुम्हें। कौन सी बात? अनन्या ने पूछा। शिखर बोला, साथ तो चलो, सरप्राइज है एक। अनन्या ने जैसे ही हामी भरी शिखर उसे अपने साथ फिर रसोई में ले गया और कुछ देर आंखें बंद करने के लिए कहा। अब आंखें खोलो। शिखर की ये बात सुन अनन्या ने जैसे ही आंखें खोली सामने जो है उसे देख उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। ये कहां से आया? शिखर ब्लश करते हुए अनन्या के सामने एक छोटा सा केक लेकर आया। गेस्ट्स के लिए केक बनाते वक्त मैंने एक छोटा सा केक तुम्हारे लिए भी बनाया था, आखिर तुमने जो मेरी मदद की उसके लिए तुम्हारा भी तो शुक्रिया अदा करना था। अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, हाउ स्वीट। मैं तो कब से सोच रही थी कि कहीं तुम्हें बुरा ना लगे इन सब मामलों में मैं दखलंदाजी कर रही हूँ, वो बचपन से ही यहीं पली बड़ी हूं मैं तो।
इस जगह से अलग ही लगाव है मुझे। शिखर अनन्या की बात काटते हुए बोला, तुमने जो भी किया सही किया, अगर तुम ना होती तो न जाने मैं सब इतने अच्छे से संभाल भी पाता या नहीं। ये सुनते हुए अनन्या ने केक बनाना शुरू किया। तभी उसके बाल चेहरे पे आ गए और शिखर ने अनन्या के करीब आकर उन्हें अपनी उंगलियों से हटा दिया। कुछ पल के लिए वो दोनों सब कुछ भुला के बस एक दूसरे की आंखों में ही खो गए। फिर अनन्या हिचकिचाते हुए बोली, अगर पुराना मानो तो एक बात पूछूं, तुम इसी कपड़े में क्यों घूमते रहते हो हमेशा? अब होटल के मालिक बन चुके हो तुम, और अगर होटल का मालिक ऐसे कपड़े पहनेगा तो लोग होटल के बारे में क्या सोचेंगे? शिखर ने कैजुअली बताया कि ये बहुत ही कंफर्टेबल कपड़े हैं, ये इसलिए यही पहने रखता हूं हमेशा। मगर तुम्हारी बात भी सही है, कम से कम यहाँ होटल के गेस्ट्स के आगे मुझे ढंग से कपड़े पहनने चाहिए होटल की खातिर। अनन्या बोली, यहीं पास में एक मॉल है, अगर अभी कुछ नहीं कर रहे हो तो चलो साथ में शॉपिंग करते। शिखर को भी ये ख्याल पसंद आया, मगर उसकी नजर जैसे ही घड़ी पर पड़ी तो वो उठ खड़ा हुआ। कॉलेज खत्म होने का समय होने वाला था और कल आए मैसेज के मुताबिक शिखर को कॉलेज के बाहर मिलना था उनसे, इन पैसों के पीछे का राज जानने के लिए। शिखर ने बिना समय बर्बाद किए अनन्या से माफी मांगी और अपने कॉलेज के लिए वहां से रवाना हो गया। अंकुश और उसके दोस्त इंतजार कर रहे थे तब एसपी चाचा से शिखर के खिलाफ कार्रवाई शुरू होने की खबर आएगी। अंकुश ने एसपी चाचा को फोन करने की कोशिश भी की, मगर उसका फोन काट एसपी ने उसे एक टेक्स्ट भेजा, अभी मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं। अंकुश ने मन ही मन सोचा कि अब तक तो कोई कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए थी शिखर के खिलाफ, आखिर इतना डिले क्यों? अंकुश दोस्तों के सामने अपनी इज्जत बचाते हुए कहने लगा, एसपी चाचा ने बोला है तो करके दिखाएंगे, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। इससे पहले भी शहर के सबसे बड़े ड्रग और क्राइम गैंग को उन्होंने अकेले ही पकड़वाया था। तभी अंकुश का फोन बजने लगा, फोन पे एसपी चाचा का ही नाम था। अंकुश ने तुरंत फोन उठाया और दूसरी ओर से एक डरी हुई आवाज में एसपी चाचा बोले, मैंने शिखर के बारे में पता लगाने की कोशिश की, मेरी मानो तो शिखर को तुम सब अकेला छोड़ दो, उसके पीछे किसी बहुत बड़े इंसान का हाथ है, वो बहुत खतरनाक लोग हैं, और जितना तुम उनसे दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। पर अचानक से उन्होंने फोन काट दिया। अंकुश और बाकी दोस्त ये सुनके हैरान हो गए, ऐसा कौन है शिखर के पीछे कि एसपी चाचा ने भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने से साफ मना कर दिया। तभी शिखर कॉलेज के एंट्रेंस के पास पहुंचा और शिखर को देख मानो सब कांप उठे। सब तुरंत बिना कुछ बोले वहां से निकलने लगे, कहीं हमें लेने के देने ना पड़ जाए। अंकुश मगर पीछे नहीं हटा, उसने सोचा इसका पीछा करता हूं, आखिर मैं भी तो देखूं कि कौन है वो इंसान जिसका हाथ है इसके सर पे। शिखर कॉलेज के बाहर खड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था और उसके पीछे छुपकर खड़ा अंकुश उसी की ओर देखे जा रहा था। तभी वहां एक बड़ी सी मर्सिडीज गाड़ी आकर रुकी, जिसे देख सब हैरान हो गए, आखिर ये गाड़ी किसकी हो सकती है, हमारे कॉलेज में इतना अमीर कौन है जो मर्सिडीज में घूमे? और उस गाड़ी से जो लड़की निकली उसे देख मानो सबके होश ही उड़ गए। उस कार से जो लड़की निकली वो देखने में इतनी खूबसूरत थी कि सब लड़के उसे देखते ही लट्टू हो गए। एक ने कहा, काश इससे मेरी एक बार पहचान हो जाती। दूसरा बोला, उसकी कार देख और फिर उसे देख, कार तक को छूने की तो औकात नहीं हमारी, उसे छूने का तो सपना देखना ही छोड़ दो। शिखर बिना उसकी ओर कोई ध्यान दिए अपने शुभचिंतक के आने का इंतजार कर रहा था और वो लड़की बढ़ते हुए शिखर के सामने जा पहुंची। शिखर भी उसे देख हैरान हो गया, कौन है ये, कहीं ये तो नहीं मेरे शुभचिंतक, मैं तो आज से पहले इससे कभी मिला भी नहीं, फिर ये क्यों देगी मुझे इतने पैसे? उस लड़की को शिखर के साथ खड़ा देख मानो पूरे कॉलेज के लड़कों में सनसनी मच गई। अंकुश भी बस देखे जा रहा था, ये लड़की इसके साथ क्या कर रही है, कहीं उस ड्रग्स के धंधे में ये भी तो शामिल नहीं? उस लड़की ने शिखर के कानों में कुछ फुसफुसाया और शिखर उसकी कान में जा बैठा। कहां ले जा रही हो मुझे? शिखर जैसे ही कान में बैठा कार तेज रफ्तार से चल पड़ी। शिखर के बगल में बैठी लड़की बोली, बस इस इलाके का एक चक्कर लगाकर आपको वापस यहीं छोड़ दिया जाएगा।
शिखर अपने तेज धड़कते हुए दिल को शांत करते हुए बोला, तो आखिरकार हम आमने सामने आ ही गए। लड़की ने अपनी मीठी आवाज में कहा, हाँ मैं भी आपसे मिलने का और काम शुरू करने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मेरा नाम बबीता बनर्जी है। शिखर ने सीधा सवाल करते हुए पूछा, मुझे आपके नाम से कोई लेने देना नहीं, मुझे बस ये जानना है कि ये पैसे मुझे क्यों दिए आपने, आखिर ऐसा करने के पीछे क्या मकसद है आपका? बबीता शिखर की बात काटते हुए बोली, लगता है कोई गलतफहमी हुई है, मैंने आपको कोई पैसे नहीं दिए। शिखर ये बात सुनकर चौंक उठा, तो फिर आप यहां क्या कर रही हो, कौन हो आप? शिखर के मन में सवालों की लहर उठ रही थी। बबीता उनका जवाब देते हुए बोली, मैं आपकी सेक्रेटरी हूं, मुझे सिर्फ आपकी सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। ये बात सुनकर शिखर के मानो होश ही उड़ गए हो। किसने अपॉइंट किया तुम्हें, कौन है वो, मुझे उसके बारे में बताओ, मिलना है मुझे उससे। बबीता बोली, वो इंसान कौन है ये तो मुझे भी नहीं मालूम, मुझे एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से आपकी सेक्रेटरी बनने के लिए हायर किया गया है। शिखर गुस्से में बोला, मुझे बस इतना जानना है कि मुझे ये पैसे क्यों मिले हैं, क्या राज है इसके पीछे, मेरी सेक्रेटरी हो ना तो जाओ इस बात का पता लगाओ पहले। अगली बार जैसे ही कोई ऑर्डर आता है मुझे, मैं जरूर ये पता लगाने की कोशिश करूंगी। ऑर्डर आता है मतलब, शिखर ने पूछा। बबीता उसे समझाते हुए बोली, जब भी कोई काम होता है मुझे या तो किसी का फोन या फिर एक मैसेज लिख के आता है कि मुझे क्या करना है। शिखर पलटकर कुछ नहीं बोला, वो समझ गया था कि बबीता से उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलने वाला। वैसे क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ शिखर सर, बबीता बोली। शिखर ने सर हिलाते हुए परमिशन दी। अगर आपकी जगह और किसी को इतने पैसे मिले होते तो पैसे कहां से आए ये पता लगाने की जगह उन पैसों का इस्तेमाल कर जिंदगी के मजे ले रहा होता। कई लोगों को तो अपनी आम सी जरूरतें पूरे करने के भी पैसे नहीं होते, ऐसे में आप मिले हुए पैसे वापस करना चाहते हैं, आखिर ऐसा क्यों? शिखर ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैडम देयर इज नो फ्री लंचेस इन लाइफ, हर अच्छी चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है, मुझे बस वो कीमत पता लगानी है। बबीता ने उसकी बात पर हामी भरी और सामने देखते हुए बोली, सर आपका कॉलेज आ गया है, आज अनन्या को सारी बातें बता ही दूंगा। अगले दिन शिखर सोचते हुए अपने क्लास की ओर बढ़ रहा था। शिखर बार बार इस बारे में सोचकर परेशान हो रहा था, मन हल्का करने के लिए किसी से ये बात साझा करना चाहता था। अगले दिन अपने ख्यालों में खोया शिखर जैसे ही क्लास में घुसा, उसकी आंखें अनन्या को ढूंढने लगी, मगर उसे अनन्या कहीं नजर नहीं आई। नजर आए तो बस बाकी स्टूडेंट्स जो सहमे हुए उसकी ओर घूरे जा रहे थे। शिखर को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो कोई बाहुबली हो जिससे प्रजा डरती हो। सबकी आंखों में शिखर के लिए खौफ साफ दिख रहा था। इसका कारण न तो शिखर को पता था ना ही उसने जानने की कोशिश की। शिखर अनन्या का वेट करते हुए सबको इग्नोर कर अपने ख्यालों में खोया हुआ जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। एक पीरियड खत्म हो गया मगर अनन्या अब तक कहीं नहीं दिखी। क्लास के बीच में छुपकर शिखर ने उसे फोन भी किया और टेक्स्ट भी भेजे, मगर अनन्या की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही पीरियड खत्म हुआ शिखर अंकुश के पास गया। शिखर को उनकी मंडली की तरफ आते हुए देख अंकुश और उसके दोस्त घबरा गए। उनमें से एक फुसफुसाते हुए बोला, कहीं इसे पता तो नहीं लग गया कि हमने इसकी शिकायत की थी। अंकुश ने उसे शांत करते हुए कहा, चुप कर मुझे बात करने दे। शिखर ने अंकुश के सामने आकर पूछा, अनन्या कहाँ है, आज कॉलेज क्यों नहीं आई वो? ये सुनते ही अंकुश और बाकी गैंग मन ही मन राहत की सांस लेने लगे कि इसे एसपी को की गई हमारी कंप्लेंट के बारे में शायद कुछ नहीं पता। फिर अंकुश ने आगे बढ़ते हुए जवाब दिया, अनन्या के बारे में तू हमसे क्यों पूछ रहा है, हमसे ज्यादा आजकल तो तेरे साथ ही रहती है वो, हमें तो उससे पूछना चाहिए उसके बारे में। शिखर समझ गया कि यहां से कुछ पता ना लगने वाला और बिना कुछ बोले ही मुड़ के जाने लगा। उसे जाता देख अंकुश ने भी एक सवाल उसकी ओर फेंका, ये तो बता दे क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच, अभी से ही प्यार में तो नहीं पड़ गए एक दूसरे के? शिखर उसकी बात को इग्नोर करते हुए क्लास से निकल गया। तभी उसे फोन में अनन्या का मैसेज आया। जैसे पढ़ते ही
शिखर वहां से भागते हुए निकल गया। क्या लिखा था उस मैसेज में जो शिखर यहां से भागते हुए चला गया? आखिर क्या मकसद था शिखर के शुभचिंतक का उसके लिए सेक्रेटरी हायर करने के पीछे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।